नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली के ब्लॉक बी क्षेत्र गोरबी में भूमि अधिग्रहण के पश्चात अधिग्रहित जनता के हितों को ताक पर रखकर रेलवे का कार्य एनसीएल द्वारा कराया जा रहा है, तो इसको लेकर आए दिन यहां की स्थानीय जनता कार्य को रोकने के लिए प्रदर्शन करती है। स्थानीय जनता के लाख प्रयास के बाद भी एनसीएल प्रबंधन के द्वारा उनको उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही यह प्रदर्शन आज सोलंग पंचायत के सिंगाही क्षेत्र में रेलवे कार्य को रोकने के लिए किया गया। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान एनसीएल प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब तक हम कार्य नहीं करने देंगे। स्थानीय जनता का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के पश्चात नाइन और ना ही इन्हें प्लॉट दिया गया है, जैसा कि भूमि अधिग्रहण के समय इनसे वादा किया गया, और ना ही लोगों को नौकरी मुहैया करा पा रही है एनसीएल, जिसको लेकर आज प्रदर्शन में स्थानीय लोगों का समर्थन करने के लिए इंटर के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं के एनसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उनसे बातचीत के कुछ अंश। ये विस्थापितों की जो समस्या है सोलंग पंचायत क्षेत्र में, इसका निवारण कैसे किया जाएगा? ये कई बार हम चिट्ठी भी दिए हैं और द्विपक्षीय वार्ता में भी हम लोग ने चर्चा किया। हर बार जो है एनसीएल मैनेजमेंट जो है इस पर आश्वासन देता रहता है कि हम लोग इसको किसी न किसी रूप में निराकरण करेंगे। इसके लिए भी जो आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, इसमें एनसीएल ने उसको आउटसोर्सिंग कंपनी को लिस्ट दिया है, यहाँ के इतने इतने विस्थापित हैं, इसमें से आपको रखना है। लेकिन अभी देखा गया है कि उसमें से भी करीब 30-40 लोगों को रखा गया है, लेकिन अभी सैकड़ों लोग बाकी हैं, उनको अभी नहीं रखा गया। तो इस पर भी हम लोग अभी 3 तारीख को, आज के दिन हमने आउटसोर्सिंग बंद करने का नोटिस दिया था, लेकिन फिर आउटसोर्सिंग कंपनी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बीच हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम उनको रखेंगे और लोगों को। तो अभी 10 तारीख तक मैंने उसको डेफर किया है। 10 तारीख तक अगर इनको नहीं रखा गया उसमें, तो हमको बंद करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो विस्थापितों के पक्ष में आप आंदोलन 10 तारीख को करेंगे? हाँ, 10 तारीख तक, हम पहले 3 तारीख को था, आज के दिन फिर 10 तक हम उसको डेफर किए। तो क्या उसमें जो पैकेज बनाए हुए लोग हैं पुराने 2014 के पहले या उसके समकक्ष, उनका भी निवारण होगा? हाँ, एनसीएल में जो नियोजन की बात है, जिनका पैकेज में नियोजन होना है, उस पर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, और एनसीएल प्रबंधन उसको अनावश्यक जो है टाल मटोल करके बिना मतलब उसको जो है लिंगर ऑन कर रहा है, उसको लेट कर रहा है। कभी हेडक्वार्टर वाला फाइल ब्लॉक भी भेजता है, ब्लॉक भी वाला हेडक्वार्टर भेजता है, वो फिर यहाँ भेजता है, वहाँ भेजता है, यही हो रहा है। 2017 में 18 में लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आज 3-4 साल हो गया है, 2-3 साल जो है अभी भी उन लोगों को नियोजन नहीं दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग जो है कई बार प्रबंधन को सचेत किया है, जो एक जीएम आरएनआर बैठा हुआ है हेडक्वार्टर में, संजय खरे साहब, आरएनआर डिपार्टमेंट, हम आपको सामने, आपके कैमरे के सामने हम बता रहे हैं, मुझे कोई डर भय नहीं है, खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है, 2.5-3 लाख रुपये पर आदमी का जो पैकेज के लिए पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है, जिनका कि सारा पेपर क्लियर है, उसके बाद सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद उनको पैसा चाहिए, तब वो फाइल उसको क्लियर करेंगे। क्लियर है वो सारा, कोई चीज़ उसमें नहीं है, इनके फाइल से, इन्हीं के ऑफिस से पेपर गुम हो जा रहे हैं, और यही उसका FIR कर रहे हैं, और फिर वो पर्सन कंसर्न को जिसका है वो उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा पेपर नहीं है, तुम्हारा फाइल से पेपर गायब हुआ, आपने थाने चौकी में जो उसका FIR किया है, फिर उसका क्या उसमें दोष है? तो क्या ये जो खनन का काम हो रहा है रेलवे का भी, इसमें क्या एनसीएल को प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, या जैसे बिना निराकरण किए इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है? प्रशासन को चाहिए कि उसको वास्तविकता पर जाए, और यहाँ के जो विस्थापित हैं इनको भी सुने। जैसे हम देख रहे हैं सामने में जो है एकदम डंपिंग के नीचे पूरा घर बना हुआ है, ये कितना खतरा वाली बात है कि कभी अगर डंपिंग वहाँ कोई बारिश वारिश में कोई अगर स्लाइड कर गया, नीचे अगर आ गया कोई चीज़, अगर कोई बड़ा बहुत बड़ा हादसा होगा, कई लोग जान जा सकते हैं उसमें, उनको हटा के उनको आउटसोर्सिंग में कहीं नौकरी दे के उनको कहीं विस्थापन करना चाहिए। तो इस तरह का दुर्घटना को आमंत्रित क्यों कर रहे हैं? ये कल को एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अभी आज हम देखे, हमको बड़ा खराब लग रहा है। एनसीएल प्रबंधन अभी तक इनको प्लाट का भी पैसा नहीं दी है, रोजगार का भी कोई सुविधा नहीं दी रही है। अभी सोलन का, इधर का कई लोग ऐसे हैं, उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उनको विस्थापन नहीं किया गया, उनको कहीं उनका रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। ये सारे बहुत समस्या यहाँ है, जो एनसीएल प्रबंधन विश्व दोषी है, साथ ही साथ प्रशासन विश्व दोषी है। प्रशासन को एक तरफ खाली मैनेजमेंट की भाषा नहीं सुननी चाहिए, उनको विस्थापितों की बात सुननी भी चाहिए। ये हमारा मांग है कि कम से कम दोनों पक्षों को सुने और सुन के उस पर निराकरण करें।
गरीब आदमी है, इनको इनके रोजी रोटी के मोहताज है लोग जो है, और अगर इनको हटा दिया जाएगा, इनके यहाँ पर कोई और नियोजन नहीं है। यहाँ पर रेलवे निकल रहा है, ट्रैक निकल रहा है, और उधर जो उनका घर है उनका आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, सब कुछ हो गया है। ये बहुत बड़ी एक जो है परेशानी वाली बात है।